Assalamu alaikum, dear friends. And I'm your new teacher, Omer Khan. And I have been assigned your new, the current topic, that is about systemic diagnostic bacteriology. So, मुझे आप लोगों का ये सब्जेक्ट दिया गया है और इसमें हम शुरू करते हैं specimen collection and transport. लेकिन इससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि diagnostic bacteriology है क्या चीज़. डायग्नोस्टिक बैक्टीरियोलॉजी में बेसिकली हम ऐसे अप्रोचेज यूज करते हैं जो कि हमें डायग्नोस्टिक की तरफ डायग्नोसिस की तरफ लेके जाती है. फॉर एग्जांपल हम एक सैंपल लेते हैं. अब उस सैंपल को कैसे हैंडल करना है, कब हैंडल कब लेना है और किस तरह उसको डील करना है ताकि वो हमें एक्यूरेट डायग्नोसिस की तरफ ले जाए और जो बैक्टीरिया है उसकी एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन की तरफ हमें ले जाए. अब एक बंदा है उसको कुछ मसाइल हैं, कुछ सिम्टम्स हैं, तो उसको शिकायत है तो फॉर एग्जाम्पल वो यूरिन पास करता है तो फिर उसको ब्लीडिंग आती है, उसको बर्निंग फील होती है, पेन फील होता है और इस तरह की शिकायत रिलेटेड शिकायत है. तो आपने इसको कैसे हैंडल करना है, आपने सबसे पहले उससे यूरिन लेना है. आपने इस तरह यही करना होता है कि आप उससे ब्लड लेते हैं डायरेक्ट या कोई प्रॉप स्वाब लेते हैं या कोई और सैंपल लेते हैं. तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि रूप कौन सा है और उसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. तो फिर उसके बाद आप देखते हैं प्रोटोकॉल अप्लाई करते हैं. अब आपने आइडेंटिफाई किया कि उसको बीटीआई हो सकती है तो फिर आप क्या करते हैं उसको यूरिन कंटेनर देते हैं और कंटेनर भी अब आपकी ये कोशिश होगी कि ये जो सैंपल आप कलेक्ट कर रहे हैं वो एक हाइजीनिक कंडीशन में हो. इसके लिए आप क्या करते हैं पेशेंट को एडवाइज करते हैं कि आपने जो कंटेनर यूज करना है इसको स्टाइल कंडीशन में यूज करना है और कौन सा पोर्शन यूरिन का यूज करना है आपको अपनी क्लिनिकल एनालिसिस के लिए. और उसको जो आपने बॉटल देना होता है कंटेनर देना होता है वो भी स्टाइल हो और प्लास्टिक में बंद हो. अगर ये ओपन हो तो फिर इसमें ये डाउट भी हो सकता है कि ये कंटामिनेटेड हो. तो इस तरह के टैक्टिक, इस तरह के टेक्निक एज अ टेक्नोलॉजिस्ट आपने सोचना होता है कि आपने उसको कैसे हैंडल करना है और हाइजीनिक कंडीशन में सैंपल को किस तरह हैंडल करना है. तो ये सारी अप्रोचेस पढ़ेंगे हम और फिर उसके बाद हम मीडिया पढ़ेंगे और डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे मीडिया प्रिपरेशन के और एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी पढ़ेंगे और बायोकेमिकल टेस्ट विच आइडेंटिफाइज डिफरेंट माइक्रोब्स. तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो अभी स्पेसिमेन कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट इस पे होगी. तो ये जनरल है, ये एक ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिज्म के लिए मैंने प्रिपेयर नहीं किए. तो ये एक जनरल टॉपिक, आप लोगों को जनरल आइडिया होना चाहिए कि हम सैंपल कलेक्शन डिफरेंट माइक्रोब की सैंपल कलेक्शन किस तरह करते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट किस तरह करते हैं. तो ये हम पढ़ेंगे और फिर आगे टॉपिक हम पढ़ेंगे वो स्पेसिफिकली फिर अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे. फिर स्पेसिमेन कलेक्शन इज इम्पोर्टेंट. स्पेसिमेन कलेक्शन की जो इम्पोर्टेंस है वो एक माइक्रोबायोलॉजी लैब में एक बैक बोन की तरह रोल प्ले करती है. स्पेसिमेन कलेक्शन इज इन माइक्रोबायोलॉजी टू आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एजेंट फ्रॉम फाउंड बैक बोन ऑफ द इन्वेस्टिगेट प्रोसीजर. जो माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म की, तो ये इनकी आइडेंटिफिकेशन में एक बैकबोन की तरह रोल प्ले करती है. लैक ऑफ अवेयरनेस एंड कॉजल एटीट्यूड अमंग जूनियर स्टाफ हैम्पर द डेफिनेट डायग्नोसिस. तो अगर आप एक टेक्नोलॉजिस्ट हैं और अनअवेयर और इलिटरेट टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो ये क्या करेंगे कि इसमें फिर आपका क्या रोल होगा. इसमें आपका ये रोल होगा कि आप सारी जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होगी उस सारी को आप खराब कर देंगे और इस सारी प्रोसीजर और पेशेंट के प्रोसेस सब कुछ आप बैन कर देंगे. या इसके अलावा कोई आपके पास जूनियर स्टाफ है या कोई और बंदा है जो कि स्किल्ड का नहीं है और उसको आपने बिठाया हुआ है और उससे आप काम करा रहे हैं तो ये किया करेगी आपकी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ये सब कुछ खराब कर देगी और किसी काम के नहीं रहेंगे आपकी लैब. सो इसके लिए आपको ज़रूरी होता है कि आपको अवेयरनेस हो
कि आप जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं, क्या क्या तरीकेकार हमें अपनाने होते हैं, क्या क्या टेक्निक यूज करने होते हैं, तो ये सब आपने पहले से देखना होता है। और एक नॉलेजेबल बंदे को ऐसी चीज़ बिठाना चाहिए जो कि मेन रोल प्ले करती हो। स्पेसिफिक प्रोसीजर्स इन कलेक्टिंग सम स्पेसिमेन विल सर्टेनली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। तो आपने स्पेसिफिक प्रोसीजर अप्लाई करना होता है स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए, क्योंकि इसमें सिंपली माइक्रोबायोलॉजी लैब की अगर हम बात करें तो इसमें फिर हम सिंपली ये नहीं करते कि बस सिरिंज इंजेक्ट करो और ब्लड ले लें, सिरिंज इंजेक्ट करो और ब्लड ले लें, तो सिंपली ये बात नहीं होती है। माइक्रोबायोलॉजी लैब की जो सैंपल कलेक्शन है तो बहुत डिफरेंसेस होती है एक केमिकल लैब से। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम डिफरेंट सैंपल्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल सीएसएफ फ्लूइड लेते हैं, यूरिन फ्लूइड यूरिन एनालिसिस के लिए सैंपल कलेक्ट करते हैं, स्पूटम कलेक्ट करते हैं, और इस तरह स्टूल एनालिसिस के लिए हम स्टूल कल्चर के लिए हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, ब्लड कल्चर के लिए हम कलेक्ट करते हैं। तो ये सारे सैंपल जो हम कलेक्ट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर और डिफरेंट प्रोटोकॉल हैं इसके लिए, इवन कंटेनर और जो ट्यूब या बॉटल वगैरह जो भी है वो सारे इनके लिए अलग अलग यूज होते हैं। तो फिर ये डिपेंड करता है कि आप क्या इन्वेस्टिगेट करें, तो फिर आप इसके अकॉर्डिंग सैंपल कलेक्शन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोटोकॉल अप्लाई करते हैं और इस तरह फिर आप कलेक्शन करते हैं और डायग्नोसिस के लिए सैंपल भेजते हैं। सो बिफोर कलेक्टिंग अ स्पेसिमेन सस्पेक्टिंग नेचर ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, जब आप कोई सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो इससे पहले आपने सस्पेक्ट करना था कि आप कौन सा बैक्टीरिया या वायरस या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कौन सा हो सकता है। और आपने ये तक ये नहीं सोचना है कि इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है या कोई वायरस नहीं है या कोई फंगस या पैरासाइट या जो भी है नहीं है, आपने ये कभी भी नहीं सोचना है। आपने ये आप लोग अपनी लाइफ में अपनी लैब में एक रूल बनाए थे, आप जो भी सैंपल हैंडल कर रहे हैं चाहे वो ब्लड का हो, स्पूटम का हो, यूरिन का हो या स्किन का हो या इस नेचर का स्पेसिमेन हो, आपने ये सोचना होता है कि जो सैंपल आया है उसको आपने हाईली इन्फेक्शियस कंसिडर करना है। आपने ये कभी नहीं सोचना है कि इसमें कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा या इससे मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं लग सकता। आपने इसको एज अ पॉजिटिव सैंपल, एज अ हाई इन्फेक्शन सैंपल डील करना होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कंसिडर करेंगे तो फिर आपकी सेफ्टी मेंटेन रहेगी और इस तरह सैंपल की सेफ्टी भी मेंटेन रहेगी। इसके बाद टेस्ट ऑन प्योरिटी, तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो सैंपल आया उसमें कौन कौन से टेस्ट ऑन प्योरिटी है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सीएसएफ फ्लूइड आया और इसकी एनालिसिस है तो उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे हम टॉप प्योरिटी पे ग्लूकोज देखते हैं, शुगर और प्रोटीन एनालिसिस करते हैं। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, आप इसकी कल्चर लगाते हैं और फिर साइड बनाते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो इस तरह आपने डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी होती है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूरिन सैंपल आती है और इसमें हमसे रिक्वेस्ट किया होता है कि यूरिन एनालिसिस और यूरिन या यूरिन कल्चर, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले फिर हम इसे यूरिन कल्चर लगाते हैं, क्योंकि अगर हम यूरिन एनालिसिस पहले करते हैं, यूरिन लेते हैं और फिर इसको हम ओपन एनवायरनमेंट में कंटेनर को ओपन करते हैं और फिर इसको हम ऐसे हम यूरिन डालते हैं ट्यूब में और उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और फिर इसको माइक्रोस्कोपी करते हैं, तो ये टाइम भी लेता है और इस तरह इसमें चांस भी होते हैं कि आपके जो यूरिन है वो कंटामिनेट हो जाए। और फिर अच्छा इसकी हम जब यूरिन की जो केमिकल एनालिसिस करते हैं उसके लिए हम स्टेट बेट करते हैं या कोई अगर और प्रोसीजर हमने करना है यूरिन एनालिसिस के लिए, तो इस दौरान चांस देते हैं कि ये कंटामिनेट हो जाए और हम इसको अच्छे ओपन एनवायरनमेंट में भी नहीं रख सकते, क्योंकि यूरिन इज अ गुड कल्चर मीडियम फॉर बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल जो एनवायरमेंटल बैक्टीरिया है वो इसमें भी अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं, तो इसलिए हमें इसको ओपन एनवायरनमेंट में भी नहीं छोड़ना होता है। तो फिर हम क्या करते हैं,
हम सबसे पहले उससे कल्चर लगाते हैं, उससे जब हम यूरिन कल्चर लगाएं तो फिर उसके बाद हम अगर यूरिन एनालिसिस कर रहे हैं या जो भी प्रोसीजर करें तो वो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जो टॉप प्रायोरिटी पे हमें रखना होता है वो वाली प्रोसीजर रखनी होती है जिसके रिजल्ट के इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो अगर हम बाद में लास्ट में यूरिन कल्चर लगाते हैं तो फिर हमें ये खर्चा होता है कि जो हम यूरिन कल्चर लगाते हैं उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस जो हैं कंटेमिनेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए इस चांस को आपने मिनिमाइज करना होता है, ख़त्म करना होता है कि कंटेमिनेशन आने के चांसेस को। तो इसलिए आपने सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे कल्चर लगानी होती है इस एग्जांपल में, और फिर आपने यूरिन एनालिसिस करनी होती है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। हर एग्जाम्पल में आपने हर उसमें आपने सबसे पहले कल्चर नहीं लगानी होती चीज़ें, तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल जो हर एग्जाम्पल के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में। तो इसके बाद इन टू कलेक्ट स्पेसिमेन सैंपल किस टाइम कलेक्ट करना है, तो ये भी आपने एज ए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट में ये सोचना होता है कि सैंपल किस टाइम कलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल उसको स्पूटम इससे स्पूटम का सैंपल लेना है, डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस किया है कि आपने टीबी टेस्ट करा लें, तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, इसलिए उनसे स्पूटम लेना है तो आपने पेशेंट को इनवाइट करना होता है कि ये कंटेनर है ये ले आप, और आप घर जाएं जब आप सुबह उठें तो आप जो पहली ही आप बलगम फूटेंगे तो वही आपने कलेक्ट करना होता है, तो ये आपने पेशेंट को एडवाइस करना होता है और इस तरह आपने उससे सैंपल कलेक्ट करनी होती है। तो इस तरह यूरिन या स्टूल या डिफरेंट और स्पेसिमेन है उनकी कलेक्शन के लिए अलग अलग प्रोसीजर हैं। तो कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन उसमें भी हमने केयर करना होता है कि कैसे कलेक्ट करना होता है, हाउ टू कलेक्ट दी स्पेसिमेन, स्पेसिमेन को कलेक्ट किस तरह करना होता है, अब ये प्रोसीजर भी हमने देखने होते हैं। इस तरह डायरेक्ट हम नहीं लेते, हमें उसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और तभी हम जाके कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई फंगल इन्फेक्शन का वो सैंपल है तो फिर आप इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए आपने अपने ही प्रोटोकॉल यूज कर लेते हैं, उसको इन्फेक्शन से जहाँ पर इन्फेक्शन हुई होती है वहाँ से आप उसे खून को सेलेक्ट करते हैं, और अगर मेल है या कोई और स्पेसिमेन है तो आप उसको स्प्रेड करते हैं और फिर उसको आप पल्सन प्लाज में डालते हैं या कोई हेयर इन्फेक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोटोकॉल अप्लाई करते हैं और सैंपल कलेक्ट भी करते हैं। व्हेन यू आर चूजिंग द करेक्ट कंटेनर, तो फिर आप सैंपल लेते हैं, फिर उसके बाद आपने सबसे पहले प्रीडिटरमाइंड आपके कंटेनर सेलेक्ट की होगी कि आपने कंटेनर कौन सा यूज करना होता है, तो फिर आप ये सोचना होता है कि आप जो कंटेनर यूज कर रहे हैं क्या वो ठीक कंटेनर है, तो आपने प्रॉपर कंटेनर की सिलेक्शन करनी होती है। व्हाई टू सेंड स्पेसिमेंस प्रॉपर्ली इज नॉट व्हाट आई कैन डू, तो क्यों आपको ये जरूरी होता है कि आप सैंपल को जल्द अज जल्द लैब डायग्नोसिस के लिए भेजें, क्योंकि अगर माइक्रोबायोलॉजी में हम बात करते हैं तो फिर हर एक सैंपल में हमें कंटामिनेशन के ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है, और इस तरह अगर तो हमने जल्दी ही सैंपल लैब भेजनी होती है। अगर हम यूरिन एनालिसिस की बात करें फॉर एग्जाम्पल यूरिन एनालिसिस फॉर माइक्रोबायोलॉजी सैंपल हमें भेजा गया है तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको सबसे पहले तो हमारी ये हम ये प्रायोरिटी कर रखे हैं तो हम सैंपल को एज मच एज क्विकली पॉसिबल हम उसको लैब भेजें। फॉर एग्जाम्पल उसको हम नहीं भेज सकते जल्दी, या फॉर एग्जाम्पल हम उसको दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो फिर हमें क्या करना होता है, हम इसमें अगर हम यूरिन एनालिसिस की बात करें यूरिन सैंपल की बात करें तो फिर हम इसमें डिफरेंट प्रिजर्वेटिव डालते हैं या डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मीडिया होते हैं तो हम उन मीडिया में उनको ट्रांसफर करके उसमें फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं आगे। तो माइक्रोबायोलॉजी लैब एक सेंसिटिव लैब होती है जिसमें हमें इन सब प्रोसेस का बहुत ही केयर करना होता है। पॉलिसीज ऑन स्पेसिमेन कलेक्शन,
Every laboratory should formulate guidelines on procedure for each category of specimens. So, हर एक माइक्रोबियल लैब में या केमिकल लैब में या हिस्ट्री लैब या कोई भी लैब है तो इसमें हर एक लैब में ये कंपलसरी होता है कि हम ऐसे गाइडलाइंस वहाँ पर रखें ताकि वो हर एक सैंपल की प्रॉपर गाइडलाइन हो और हमें उससे पता चले कि इसमें हमें किस सैंपल कलेक्शन हमें किस तरह करना है. एवरी लेबोरेटरी शुड असिस्ट एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन आउट ऑफ दिस स्टैंडर्ड प्रोसीजर मे बी रिक्वायर्ड टू हम स्पेसिफिकली रिक्वेस्टेड by the physician, or if the clinical information provided on the request form suggests that an unusual infection may be present. So, हमने lab में ऐसे techniques, ऐसे facilities, ऐसे techniques की availability भी रखनी होती है कि अगर हमें beyond the standard line, अगर जिस तरह अगर हम for example एक bacterial diagnosis कर रहे हैं, हम एक straight line में जा रहे हैं तो अगर हमें आइडेंटिफिकेशन बियॉन्ड द लाइन करनी हो तो हमें इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ टेस्ट करने होते हैं या एक्स्ट्रा कोई टेक्निक अप्लाई करनी होती है. तो फिर हमने ऐसी टेक्निक की भी अवेलेबिलिटी अपने पास रखनी होती है ताकि हमें अगर हम बियॉन्ड द लाइन भी जाएं तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, हम उसको अवेल कर सकें इस टेक्निक को. इन द वेलफेयर ऑफ द पेशेंट सैंपल कैन बी रिपीटेडली कलेक्टेड फॉर बेटर डायग्नोसिस एज यू नीड repeated isolation to confirm uncommon pathogens. तो पेशेंट की भलाई के लिए हम कई मतलब अगर हम सैंपल लेना भी पड़े तो हम लेंगे क्योंकि अगर हम सैंपल कंटिन्यू से नहीं लेते तो फिर इसमें चांसेस ये होते हैं कलेक्शन के अगर आपको डाउट है तो ये कभी आपने करना होता है. इस तरह नहीं होता कि आपने सैंपल ठीक परफॉर्म किए हैं और कभी आप रिपीटेड सैंपल लेते हैं, नहीं. लेकिन अगर आपके पास कोई डाउट है, आपको सोचे कि सैंपल की जो टेस्टिंग है वो सही नहीं हुई है या सैंपल की कलेक्शन सही नहीं हुई है तो इस केस में आप फिर क्या करेंगे तो आप सैंपल रिपीटेशन की तरफ जाओगे. फिर फॉर एग्जांपल आपने ब्लड कल्चर किया और ब्लड कल्चर में कंटामिनेशन आ रही है या कोई ऐसा पैथोजन जो उस रूप से बिलोंग नहीं करती जहाँ से आपने ब्लड लिया हुआ है या सैंपल आपसे आपने लिया हुआ है उस रूप से बिलोंग नहीं करती तो फिर इस केस में आपने क्या करना होता है आप सैंपल को रिपीट करें और उसको फिर फर्दर कंफर्म करें कि क्या ये बैक्टीरिया वापिस लोकेशन पे है. अगर कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया इस रूट पे है और अनकॉमन है तो फिर आपने इसके लिए स्क्रीन भी फर्दर डायग्नोसिस करनी होती है और लाइन ये रिपोर्ट नहीं देते हैं. सो व्हाई प्रॉपर रिटन रिक्वेस्ट, हमें एक प्रॉपर रिटन रिक्वेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों जरूरी होता है कि हमारे पास एक प्रॉपर रिटन प्रूफ हो और इसके थ्रू हम फिर आगे अपनी प्रोसीजर्स को प्रोसीड करें. ये रिक्वेस्ट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, तो ये आपके पास एक लीगल प्रूफ है कि आपके पास जो पेशेंट आया था उसको डॉक्टर ने ये टेस्ट एडवाइस किया था और आपने वो टेस्ट परफॉर्म करके स्टैंडर्ड तरीके से परफॉर्म करके इसको रिजल्ट दिया हुआ था. तो ये आपके पास एक प्रूफ के से काम करेगी. आइडेंटिफाई ऑल द आउटकम ऑफ टेस्ट, तो जो भी रिजल्ट आएगा आपसे आपकी ओर से तो उसको भी आइडेंटिफाई करती है कि आपने जो उससे सैंपल लिया था और उसके क्या आउटकम आ गए. नो इंटरचेंज ऑफ रिजल्ट, इसके रिजल्ट के फिर इंटरचेंज होने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि हर एक पेशेंट के फॉर्म होते हैं इसमें डिफरेंसेस होती हैं. हर एक पेशेंट के एज और जेंडर और इसमें कोई थोड़ी बहुत डिफरेंसेस जरूर होती है. हम उन डिफरेंसेस के बेस पर एक दूसरे को उसको सॉल्व करते हैं और हर एक पेशेंट को लेब का एक अपना नंबर आइडेंटिटी नंबर जनरेट होता है जिसको हम लेब नंबर भी दे सकते हैं या लेब आईडी या इस तरह डिफरेंट नेम हम लेते हैं उसके लिए. तो हम वो भी इसी करते हैं पेशेंट को तो इस तरह रिजल्ट इंटरचेंज नहीं होती है. तो साइनेचर ऑफ द डॉक्टर नेक्स्ट इज एसेंशियल इन लीगल फॉर्म. तो
can confect, it can help you confect in case of previous digital certification. So humne us form pe bhi check mota hai jis pe dot ya less ka sign ho ya iska sign nahi hai. So agar aise condition mein taaki hum usse phir koi hame zarurat pade taaki hum se unse contact kare aur patient ko koi mushkil se batae ya koi weak problem ho to patient ko usse batae aur patient ko sahi diagnosis ki taraf le jaye. So patient ki bhalai ke liye phir hum ye sab kar sakte hain. तो एक प्रॉपर रिक्वेस्ट फॉर्म की ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नेम पेशेंट का नेम होना चाहिए और उसका जेंडर और नंबर होनी चाहिए, लेट आईडी जिसको हम कहते हैं होनी चाहिए और टाइम और लेट और वार्ड नंबर और अर्जेंट या रूटीन तो लेकर आप स्पेसिमेन और इन्वेस्टिगेशन में भी डॉक्टर या स्टाफ उनका साइन और कॉन्टैक्ट नंबर. तो ये इन साइड जो डिटेल है इन सब की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस, तो इन इम्पोर्टेंस को हम लाजमन अपने फॉर्म में इंक्लूड करेंगे ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आए और हमें एक करेक्ट डायग्नोसिस की तरफ ले जाए. सो दिस वाज ऑल अबाउट जनरल जनरल क्वेश्चन ऑन द रोल ऑफ दिस स्पेसिमेन इन माइक्रोबायोलॉजी लैब. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर or any other issue regarding microbiology or bacteriology, so you can ask anytime and I will share my email and you can guys also contact me on WhatsApp for any type of question and thank you so much for your attention and see you in next lecture.